Hi friends, welcome to my channel. Today I want to show you the recipe of kala jamun. Well, kala jamun cheyadam nerpistanandi. Nenu 200 grams of jamun mix teeskunanu. Maine 200 gram ka jamun mix ready made mix liya hai. Koi bhi mix aap company pe mat jaiye, koi bhi mix chalega. Iske sath doodh और दही सॉरी घी चाहिए, पालू नैया कावाले देनके, इलाची पाउडर सिरप कन्मटा, आयते 200 ग्राम्स की वी नीड 400 ग्राम्स ऑफ शुगर, 200 ग्राम्स की पंचदारा 400 ग्रामल कावालन मटा, इपड़ो 1 स्पून ऑफ घी वेयाल नेय्य वेयाल इंदलो दिस स्मॉल स्पून दिस स्पून इज वेरी स्मॉल सो आई टुक 1.5 स्पून ऑफ घी एंड आई विल मिक्स विद मिल्क पाल तो कलुपतानो असल वाटर अयनो चाला जाग्रतगा वेरी लिटिल मिल्क वेयालंडी सडन गा पल्चगा अयिपोद्दी धीरे धीरे थोड़ा मिल्क डाल के अप बॉल बनाइए डव बनाइए डव मिक्सिंग अयिपोयिंदी इदी मन चपाती पिंडी लागा गट्टिगा पिसकी पिसकी कलपकूडदु मामूलुगा ओक बॉल ला तैयार चेयाली चाला कोंचें मिल्क वेरी लिटिल मिल्क तीसुकुंदंडि तर्वात इप्पुडु बॉल्स चेसे मुंदु नेनु स्टव आन चेसुकुंटा ऑफ ऑयल एंड आल्सो सिरप ओके सिरप 400 ग्राम्स ऑफ सिरप शुगर वैसा इंदो वाटर वेसको इधर पाक राकूद ज्यादा थिक सिरप नहीं बनाना है ये रसगुल्ला से ज्यादा और स्ट्रिंग कुछ भी नहीं चाहिए एकदम हल्का सा सिरप बनाना है या बॉल्स चेसिनप्पुडु इतला फर्स्ट राउंड गा पहले राउंड राउंड गोल बनाइए फिर थोड़ा ओवल शेप लाइए फर्स्ट राउंड चेसी ओवल शेप चेयंडी एयर क्रैक्स लेकुंडा कोई भी क्रैक्स नहीं रहना चाहिए थोड़ा टाइटली आप गोल गोल और ओवल शेप बनाइए Now syrup is almost ready. Then इलाची ने कुछ कुटी थोड़ा क्या क्रैक लेके दबा के मैंने इलाची को डाला एक पाउडर चाहिए नोट लॉक अस्तदने वैसे नो यू कैन ऑफ द स्टाव ओके पतला सा सिरप लेना है और ऑयल भी गर्म है ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए अभी थोड़ा गर्म हो गया तो आप बंद करके अभी आप ये वाला जामुन को रख सकते हैं नून कొంచెం వేడుంది सो स्टव ఆపేసనండి ఆపేసి మనం జామున్స్ ని ఆయిల్ లో ఫ్రై చేసుకోవచ్చు अभी मैं मुझे लग रहा है कि ये जो हीट कम हो गया तो अगेन मैंने स्टव ऑन किया नाकु चल्लगा अयिंदी ऑयल अनिपिंचिंदी अंदुकु मल्ली वेलिगिंचानु अन्नमाट पोय्यिनि अप्पुडु बागा फ्राई चेसुकोवाली इदि काला जामुन कदा सो डार्क गा फ्राई चेयालन्नमाट इप्पुडु पोंगेयि पैकि वच्चेयि थोड़ा कुक होके ऊपर भी तैरने लगा इसलिए काला जामुन है ना थोड़ा ज्यादा फ्राई करना है धीरे धीरे
ये धीमी आंच पे ही फ्राई होना चाहिए, डार्क कलर आना चाहिए थोड़ा। अभी देखिए ये कलर आना चाहिए, ये रंग रावाले ला तीसी वेड़गा उन्हें सिरप लो वेयाले। You can see the jamun taking the syrup also. Now kala jamuns are ready. I'm taking out of the syrup because kala jamuns normally served without syrup. Kala jamuns ready ayipoyindi. काला जामून एप्पुडु सिरप तो एवरु सर्व चेयरु कानी कावालंटे चेसुकोवच्चु उंचुकोवच्चु। चाला बागा वच्चायि। बागुन्नायि। इवि ऐस क्रीम तो कूडा सर्व चेसुकुंटे बागुंटदि आ रबड़ी अंड काला जामून बॉन्टदी। नाउ आई विल शो यू हाउ सॉफ्ट इट इज फ्रॉम आउटसाइड इट इज क्रंची इनसाइड इट विल बी सॉफ्ट। यू कैन सर्व दिस विथ आइसक्रीम और रबड़ी। रबड़ी के साथ या आइसक्रीम के साथ आप दे दीजिए और बाहर से क्रंची है और अंदर बहुत सॉफ्ट होता है। देखिए आप कितना अच्छा से इसने सिरप लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।